नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है सुरमई टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी एंड राइट नाउ यू आर वॉचिंग ट्रेंडिंग दिस मॉर्निंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के 2 दिन के विजिट पर हैं, जहां उन्हें फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया और प्राइम मिनिस्टर मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग कल शाम 4 बजे पेरिस पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने यहाँ के लासीन म्यूजिकल में इंडियंस को एड्रेस करते हुए कहा कि फ्रांस आना घर आने जैसा है, क्योंकि भारत के लोग जहाँ भी जाते हैं मिनी इंडिया बना ही लेते हैं। इसी के साथ उन्होंने वहां कई बड़े ऐलान किए, जिनमें पहला है कि फ्रांस में अब तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर का स्टैचू लगाया जाएगा। बता दें कि उनकी लिखी किताब तिरुक्कुरल दुनिया भर में मशहूर है और कई भाषाओं में ट्रांसलेट भी की जा चुकी है। दूसरा, फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीय छात्रों को 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीजा दिया जाएगा। वहीं इससे पहले पोस्ट स्टडी वीजा की लिमिट केवल 2 साल की थी। और तीसरा ये कि इंडियंस अब फ्रांस में भी UPI के जरिए डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। एलन मस्क की EV मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला इंडियन मार्केट में अब 20 लाख रुपए की कीमत में इलेक्ट्रिक कार लेकर आएगी, जिसमें कंपनी का टारगेट भारत में प्लांट लगाकर हर साल 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है, जिसके लिए टेस्ला सरकार से बात कर रही है। और अगर टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है तो इससे देश में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। देखा जाए तो अमेरिका में टेस्ला कार की शुरुआती कीमत करीब 26.87 लाख रुपए है, पर भारत में कीमत 20 लाख रुपए से शुरू होगी, यानी वहां के मुकाबले भारत में गाड़ियां 15 से 16 लाख रुपए सस्ती होंगी। आपको बता दें कि टेस्ला की सबसे कम दाम वाली ये कार फुल चार्ज होने पर 535 किलोमीटर चलती है। फिलहाल अभी इसमें कुछ समय लगेगा। सीमा हैदर को पाकिस्तान न भेजने पर अब भारत को आतंकी हमले की धमकी दी गई है। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन कर कहा गया कि सीमा नहीं लौटी तो भारत बर्बाद हो जाएगा, 26/11 जैसा दुमला दोबारा होगा। फिलहाल इंटेलिजेंस एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। वहीं इससे पहले बलूचिस्तान के आतंकी संगठन ने भी ऐसी ही धमकी दी थी। अगर आपको यह मामला ना पता हो तो हम आपको बता दें कि पबजी गेम के जरिए पाकिस्तान में रहने वाली सीमा का संपर्क नोएडा में रहने वाले सचिन से हुआ, जिसके बाद वो अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल होते हुए भारत आ गई और फिर नोएडा में सचिन के साथ रहने लगी। अब बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, राज खुला तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल अभी दोनों जमानत पर बाहर हैं। सीमा का कहना है कि वो अब सचिन के साथ भारत में ही रहना चाहती है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।